आला हजरत का तराना, आला हजरत का तराना का तराना जब सुनाएगा दीवाना, आला हजरत का तराना जब सुनाएगा दीवाना, सुन के सुनने मचलता रहेगा आला हजरत, आला हजरत। ऑपरेटर साहब आवाज लॉक मत कीजिए, खोल दीजिए। आला हजरत का डंका बजेगा, नाम अहमद रजा जिसको प्यारा नहीं, नाम अहमद रजा जिसको प्यारा नहीं, ऐसा इंसान हमको गवारा नहीं। नाम अहमद रजा जिसको प्यारा नहीं, ऐसा इंसान हमको गवारा नहीं। आला हजरत का जिस लब पे नारा नहीं, आला हजरत का जिस लब पे नारा नहीं, चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा नहीं, चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारा नहीं, चाहे हो कोई वहाबी चाहे हो कोई गुलाबी, उससे रज़वी हमेशा लड़ेगा आला हजरत, आला हजरत डंका बजे, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत का डंका बजेगा। और राज भाई बंद आखिरी हाजिर करता हूँ, इस्नाद भाई, एहसान भाई, अगर इसके बावजूद ये लोग खामोश रह गए, मैं जो बंद पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ से हट जाऊंगा। बंद हाजिर करता हूँ, आखिरी बंद है, भूलने की जरूरत ही नहीं, आखिरी बंद पढ़ने के बाद आदमी हट ही जाता है। इल्म व हिकमत का उसको खजाना मिला, अभी नहीं थोड़ा सा रंग में आए, इल्म व हिकमत का उसको खजाना मिला, मिंबर शरीफ पे भी जो है बाप बैठे हैं, इल्म और हिकमत मरा उसको खजाना मिला, खजाना मिला, खजाना मिला, खजाना मिला, इल्म और हिकमत मरा उसको खजाना मिला, जिसको अहमद रजा को सुना दो सारी दुनिया को बता दो, इस जमाने को सुना दो सारी दुनिया को बता दो, इस जमाने को सुना दो सारी दुनिया को बता दो, क्या अपना मरकज बरेली रहे। अल्लाह जिंदाबाद, आरी साहब ने फरमाया कि दोबारा पढ़ दें, पढ़ के अलग होने वाला था। इल्म और हिकमत का उसको खजाना मिला, जिसको अहमद रजा का जमाना मिला, देखो ऐसा नकी का घराना मिला, खुल्द का जिस जगह से ठिकाना मिला, ये आला हजरत, आला हजरत का डंका बजेगा, आला हजरत का डंका बजेगा, आला हजरत का तराना जब सुनाएगा दीवाना, सुन के सुननी मचलता, आला हजरत, आला हजरत का डंका, हजरत हुजूर सुहेल मिल्लत के साथ साथ बरादर ग्रामी खादिम हुजूर सुहेल मिल्लत जनाब कारी अबुल हसन साहब के बिला भी तशरीफ रखते हैं, वो भी बहुत बहुत अब क्या मैं कहूँ,
हजरत मौजूद हैं, हजरत मौजूद हैं और हजरत के जो खादिम हैं कारी अबुल हसन साहब क़िबला, वो भी बहुत बहुत अच्छे लबोलहजे में ना तो मनाकिब के अशआर पढ़ते हैं। आप हजरत बैठे रहें और अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान से भी मुलाकात करें।